क्या स्टे देती हैं, अगर नोटिफिकेशन रुक जाते हैं कुछ 30-35 सीटों पे, तो फिर तरीके इंसाफ हुकूमत बनाने तो कोई गवर्नमेंट भी नहीं बनेगी। अभी जो वोट शुमारी सलमान साहब ने की 2 करोड़ सवा 2 करोड़ कर दिए, इदारे शुमारियात लेकिन कैलकुलेशन अब देखिए होता ही है कि जो जब हम कैलकुलेशन करते हैं ना तो हम अपनी मर्जी की चीजें पिक एंड चूज करते हैं। अच्छा जाहिर है अभी मतलब अब उनके दरमियान कुछ तय तो नहीं पाया ना, लेकिन मैं एक बार बता दूं कि अगर ये हुकूमत जाहिर है इस वक्त सूरत हाल ये है कि कोई पार्टी भी हुकूमत साजी की पोजीशन में एज ए सिंगल पार्टी नहीं है, पहली बात तो ये तय है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अब इसका मतलब ये है कि जो पार्टी भी हुकूमत बनाएगी मौजूदा सिनेरियो में वो मखलूत होगी। ये दो बातें तय हो गई कि मखलूत होगी। अब तीसरी बात यह है कि मखलूत जब हम सोचते हैं तो उसमें फिर सवाल पैदा होता है कि कौन से बेहतर कॉम्बिनेशन क्या होगा, कौन-कौन से पार्टीज होंगे, कंपैटिबिलिटी क्या बनती है, नेचुरल अलायंस। अच्छा नेचुरल अलायंस में यह है कि वो 16 माह आपस में गुजार चुके हैं, उसके बाद क्या हुआ वो भी हमने देख लिया। तो पे जो चलाई देखें उन्होंने जो आपस में एक दूसरे को तोपे चलाई ना, उसको जिसे कहते हैं ना कि टू पुट योर वर्ड थ्रू योर नोज वाली बात है, जो बुलावल ने कहा था ना, अब वो उसको उसके ऊपर पोछा मारने के लिए वो खुद आ रहे हैं, ठीक है, खुद आ रहे हैं, मट्टी डालो। अच्छा बाकी रहेगी इस मुल्क में पार्लिमानी सियासत और अखलाकियात और जो नंबर हैं उसको छोड़े, वो तो मंजूर वट्टू के पास 13 वोट थे और 18 वोट थे और वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे, जमाली के पास 1 वोट की अक्सरियत थी और वो मौजूद थे। इस सूरत हाल में जो सूरत हाल नजर आती है वो ये है कि वो कहते हैं कि जो होता है ना इत्तेहाद वो किसी कॉमन बेसिस पे होता है, मफादात पे। तो जो मफाद परस्त अगर हम देखें जो पॉलिटिक्स है उसका आगाज तो जाहिर है हमेशा बदलता रहता है, लेकिन जो मौजूदा सिनेरियो में अगर हम इसको देखें तो सबसे ज्यादा जो हमें इम्कानात नजर आते हैं वो ये नजर आते हैं कि ये पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून आपस में इत्तेहाद करेगी सर। और उसमें एक बात बता दूं, उसमें जो मुझे नजर आता है कि उसमें जो मेन बेनिफिशियरी है वो पीपल्स पार्टी होगी, वो इसलिए कि जरदारी पोजीशन में है, जरा पत्ते खेलने में जरदारी साहब पत्ते खेलने में पत्ते फेंकने में बहुत माहिर हैं, और लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो विक्टिम होगा ना वो तहरीक इंसाफ नहीं होगी, उसमें आवाम होगी, वोटर। अच्छा सलमान गरी साहब अभी ये दोनों के साथ बैठने की बात हो रही है लेकिन उसी वक्त के ऊपर ही दोनों जमातें ये दावा कर रही हैं कि वो आजाद उम्मीदवारों से रابطے में हैं, पीपल्स पार्टी ने भी कहा है, नून लीग ने भी कहा है, इंटरव्यू में भी कहा था सर, आपको याद होगा जरदारी साहब ने, मतलब सारे चैनल्स बहाल रखे हुए हैं, जरदारी साहब का इंटरव्यू याद है सर आपको, मैं सलमान ने वो जिस वक्त बात कर रहा था याद है, वो क्या था ताजा तरीन बात मैं आपको बता रही हूं, उनके पता कौन से आजाद थे कि पीटीआई के आजाद जो होंगे 30-40 होंगे, देखें उस वक्त के हालात में, इस वक्त मुकम्मल आजाद जो है पीटीआई के जो आजाद हैं, मैं आपको बड़ी मैं सुबह से इस पे गौर भी कर रहा हूँ, मैंने उनसे बात भी की है 2 दिन से, ठीक है, उनमें से वो एक भी नहीं तोड़ सकेंगे, इसलिए कि जो मुकम्मल आजाद है पीटीआई के जो सिनेरियो बन रहे हैं, आपको उनके एक इंडिपेंडेंट का मैं इस वक्त नाम नहीं बता सकता, उसने कहा जी कि बात है कि हम पे तो तलवार फिर इलेक्शन की लटक रही है कि जो सूरत हाल बनने जा रही है, तो आगे हमें जो छोड़ के गए हैं उनका अंजाम क्या हुआ है कि जो 2 चीफ मिनिस्टर खान साहब ने मुसल्लत किए थे पंजाब में और पख्तूनख्वा में, क्या हुआ उनके साथ, वो जो बात कर रहे हैं ना वो कुछ आजाद दूसरे हैं। बाकी बात यह कि रात शहबाज शरीफ साहब आसिफ जरदारी साहब में चीजें तय हो चुकी हैं, सिर्फ ऐलान जो है वो जाती उम्र में मुमकिन है और हो सकता है कि चीजें उनके दरमियान तय क्या हुई है, चलें ये तो बताएं, मैंने तो मेरे पास ये इंफॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन ये बात मैं आपको बता सकता हूँ कि चीजें उनके दरमियान तय, इम्कान क्या लग रहा है, 2 सिनेरियो हैं, एक में तो शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं और आसिफ जरदारी साहब सदर हैं, और दूसरे में हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब प्रेसिडेंट हों और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए या किसी और को, ज्यादा इम्कान पहला इम्कान मैंने आपको यही बताया ना कि देखें बात यह कि उस पंजाब के अंदर उनकी गवर्नमेंट होगी और पंजाब की हुकूमत सलमान साहब मरकज से बड़ी होती है,
और वजीर आला कौन होगा पंजाब का? अगर ऊपर से नवाज शरीफ साहब प्रेसिडेंट होंगे तो फिर यहाँ पर नीचे मरियम नवाज साहब हो सकती है। मरियम नवाज साहबा सर आपको लगता है वाह जी क्या जमहूरियत है, बेहतर होगी उस्मान बुज़दार साहब से? मुझे नहीं पता, मैं सवाल कर रहा हूं। उस्मान बुज़दार को मुसल्लत नहीं करेंगे ये मैं आपको बता दूं। लेकिन उनके मुखालिफिन ये इल्जाम लगाते रहे ना, ये कहते रहे कि मरियम साहबा आज तक एक सलमान को भी नहीं जीती काउंसलर का और वो अब इलेक्शन जीती है, तजुर्बा नहीं है सलमान के ऊपर, उन्होंने नहीं तजुर्बा नहीं है क्या? देखें पहले सर इसका जवाब दे देना, ये सवाल है उसका जवाब दे, फिर आ जाइए। मैं उसी पे मियां साहब वजीर आजम भाई यहाँ पे वजीर वजीर आला हाँ। फिर नवाज सर मैं कह रहा हूँ इससे निकले ना बाहर सर, इससे निकले। पीटीआई को निशाना क्यों बनाया गया या तनकीद क्यों हुई कि भाई वो एक्सपीरियंस नहीं थे, उनको तो कुछ नहीं पता था, उन्होंने बिल्कुल ना तजर्बाकार लोग लगा दिए, तबाह कर दिया, मुल्क बर्बाद कर दिया। अगर अब वही जो है वो अब होगा तो फिर क्या होगा? मैं यही कह रहा हूँ कि असल मसला यहाँ पे मेरिट जो है ना वो कुछ तजर्बा तजुर्बा नहीं है होता सियासत में। तजर्बा आपको पता कब आया था? सबसे आखिर में आने वाला था, और वो उस वक्त चीफ मिनिस्टर बना जब ना कोई जर्नलिस्ट क्लेम कर सकता है, ना 95% पंजाब असेंबली के अरकान क्लेम कर सकते हैं। और वफाक में भी कि जो निगरान गवर्नमेंट ने जो परफॉर्मेंस दिखाई है उसको लेके चलना, उसके मयार को मीट कैसे करेंगे, मयार को मीट करना। अगर वो काम नहीं कर सकते तो मैं आपको चैलेंज करके कहता हूँ 6 महीने बाद इन पर सवाल उठने शुरू हो जाएंगे। मोहसिन साहब क्यों कर सके, ये मायार क्यों सेट कर सके, क्या वजह बनी कि हो सके? चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं कर सके? हाँ, एग्जैक्टली मोहसिन साहब ने क्यों किया? जो मैं समझाऊं, मैंने उनके साथ विजिट भी किए, उनकी मीटिंग्स भी अटेंड की, जो एज ए रिपोर्टर मैंने एक दो चीजें बड़ी मॉनिटर की। कोई प्रेशर नहीं था, कोई सियासी उसर सूख नहीं था। अच्छा। कोई ये कहे कि फला काम इस तरह कर दे, फला ठेका उसको दे दे, फला एसी लगवा दे, बस आवाम का भला करो बस। उन्होंने जो टीम शुरू में लगाई वो 1 या 2% शायद की तब्दीली हुई होगी, बहुत ज्यादा माइनर सी, लेकिन उससे ज्यादा कोई बड़े लेवल पे उन्होंने ऑफिसर्स तब्दील नहीं किए। वही चीफ सेक्रेटरी था, वही आईजी था, वही सीसीपीओ था, वही कमिश्नर था, वही डीसी थे, वही एसी। हालांकि जब आए थे तो इल्जाम क्या लग रहा था, ये तो जी जरदारी साहब का बच्चा है। अच्छा। पता नहीं क्या क्या बातें हुई थी, अकरबा बरवरी और ये वो, लेकिन काम कर दिखाया। अकरबा साहब हो या वफाक में हो, वही ब्यूरोक्रेसी जिसको कहते थे कि ये पॉलिटिकल साइज है, ये पॉलिटिकल चले जाते, उन्हीं से काम लेके दिखाया, उन्हीं से एसआईएफसी ने प्रोजेक्ट काम किया। पंजाब की वजारत आला पे आप कुछ बात करना मुझे लगता चाह रहे थे, आप मुस्कुरा रहे थे जब मरियम नवाज की बात हो रही थी। नहीं नहीं, मैं उसके बारे में नहीं मुस्कुरा रहा था, मैं इस बारे में बात कर रहा था। हमारी हालत पे मुस्कुरा रहे थे, हालत इजहार पे सर। आप किस बात पे मुस्कुरा रहे थे सर, आप वो बता दीजिए। कि मसाइल ये नहीं है कि आपने अंडर पास बना दिया या नहीं बना दिया, पाकिस्तान के मसाइल स्ट्रक्चरल नोयत के हैं जी, ठीक है। और मखलूत हुकूमत जो 16 महीने की आई थी, उन्होंने एक भी जो हमारा जो बुनियादी मसला है हल नहीं किया। उसकी वजह से अगर वो उन मसाइल को आप हल नहीं करेंगे, वो मईशत के हैं, तालीम के हैं, सेहत के हैं, गवर्नेंस के हैं और अदालत और इंसाफ के हैं, ये 4-5 एरियाज हैं। आबादी के हैं कि आबादी का फैला हुआ है, किसी कोई उसके बारे में सोचता नहीं है कि उसके असरात आपके आपकी सियासत, मईशत, ज़राए, कुदरती वसायल, हर चीज़ के ऊपर, खुराक, सलामती, सर्च, हर एक इशू के ऊपर पड़ रहे हैं। वो स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं, निगरानों का काम वो नहीं है जो निगरानों को आपने करते देखा है। ये काम जो आपके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का है या लोकल गवर्नमेंट का है, काम क्या करने चाहिए स्ट्रक्चरल, कि आपने स्टील मिल को चलाना है या दफनाना है, इसको पीआईए को दफनाना है या आप इसको चलाना है, रेलवे क्यों नहीं चल रही है आपकी? रेलवे देखें, दुनिया में रेलवे बुनियाद है आपके मईशत की, आपके कम्युनिकेशन सिस्टम की। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को के जो मुकदमात हैं अदालतों में, आखिर कोई अपने लिए तो कानून साजियाँ हो जाती हैं और अदालत के लिहाज से भी कानून साजी हो जाती है, ये इस कानून साजी क्यों नहीं होती कि आपके मुकदमे का फैसला 3 महीने में, 6 महीने में होगा, 10 साल 15 साल लटकाए रखने की कोई तो नहीं बनती? करप्शन है आपके मुआशरे में, मुआशरे से ज़्यादा आप जिनके पास ताकत है ब्यूरोक्रेसी के अंदर, और भी बहुत इदारे हैं।